नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि 4 मिनट का रहेगा, 240 शब्दों का होगा। 10 सेकंड बाद डिक्टेशन स्टार्ट किया जाएगा। स्टार्ट। आज़ादी का अमृत वर्ष 15 अगस्त पूरा हुआ। अब अमृतकाल है। जब मुल्क आज़ाद हुआ, तब महात्मा गांधी ने एक महान और भिन्न भारत की परिकल्पना की थी। उनकी एक कसौटी थी साधन और साध्य में एकता। साध्य था आज़ाद होना व नैतिक मूल्यों के साथ महान भारत की पुनर्स्थापना। आज़ादी के मनीषियों ने अपने जीवन में इन्हें उतारा था। इसे समझने के असंख्य प्रसंग हैं। कई बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे महामना मालवीय खुद कठिनाइयों में पड़े थे, पर दुनिया को शिक्षा की रोशनी से आलोकित किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के समय उन्होंने कहा, आज़ाद मुल्क में शिक्षा का उद्देश्य महज टेक्नोक्रेट ब्यूरोक्रेट पैदा करना नहीं है, बल्कि चरित्र इंटेग्रिटी और मूल्यों के साथ इंसान को गढ़ना है। उन्होंने साफ साफ कहा, बिना मूल्यों के शिक्षा अर्थहीन है, पर क्या उनका जीवन संदेश आज समाज को स्मरण है। मालवीय जी BHU में ही रहते थे। उनके घर में दो रसोईघर थे, एक में घर परिवार के सदस्यों का खाना बनता, दूसरे में मालवीय जी और उनके अतिथियों का। दोनों के खर्च की व्यवस्था अलग थी। घर के लोग श्रम से जो अर्जित करते, उससे घर की रसोई चलती। एक दिन मालवीय जी के पोते को सुबह परीक्षा देने के लिए जाना था। घर की रसोई में नाश्ता तैयार नहीं था। मालवीय जी के महाराज ने उनसे पूछा, क्या मैं आपकी रसोई से पोते को नाश्ता करा दूं? मालवीय जी ने मना कर दिया, कहा, मेरी रसोई में दान से अन्न आता है, तुम घर के लोग देश या समाज की सेवा में नहीं हो, इसलिए दान का राशन तुम्हारे लिए वर्जित है। पोता बगैर नाश्ता किए ही परीक्षा देने गया। स्टॉप।